पूरी तरह से तैयार है। तीन उपचुनाव विधानसभा के हैं, एक अर्की फतेहपुर और एक जुबलकोट खाई, और एक चुनाव जो है वो सांसद के लिए है मंडी, जहाँ से रामस्वरूप जी की कथित तौर पे जो उन्होंने आत्महत्या की थी। तो कांग्रेस पार्टी तो पूरी तैयारी में है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत लेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, सेमीफाइनल तो कोई होता नहीं है, समय समय पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग असर होता है, मगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के इस राज में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है, जिसको ये अपनी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो अगर आप देखें तो महंगाई आज आसमान छू रही है, बेरोज़गारी जो है बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, और महंगाई में अगर हम देखें खास करके जो घर का बजट है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये, सरसों का तेल 220 रुपये, दालें, अन्य खाद्य पदार्थ, और सबसे अभी हैरानी की बात ये है कि खाद्य पदार्थों पे अब सरकार ने GST लगा दिया है। आगे आने वाले समय पे खाद्य पदार्थों पे 5% GST लगेगा, सब्जी पर भी लगेगा, तो निश्चित तौर से उस पर और महंगाई बढ़ेगी। तो लोग इनसे परेशान हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं, और देखेंगे आप कि जब हमारे सामने नतीजे आएंगे विधानसभा के बाई इलेक्शंस के और पार्लियामेंट का जो एक बाई इलेक्शन है, और इसके बाद 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जो है पूर्ण बहुमत से, भारी बहुमत से बनेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर आप देखें तो PWD में 82 JEE लगे थे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नीति के खिलाफ फैसला दिया और हमारे 56 बच्चे जो हैं वो 2 साल नौकरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार बाहर हो गए। ये इसलिए हुआ कि इनकी गलत नीति थी। अभी जो चुनाव के चयन के रिजल्ट आए हैं उसमें कुछ लोग, 16 या 15 लोग जो हैं वो बिहार से हैं या अन्य प्रदेशों से हैं। इससे ये साफ नज़र आता है कि हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार युवा हैं उनके प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। इस तरह की हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बाहरी राज्यों से भर्तियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। हमारा सरकार से आग्रह रहेगा कि ये जो भर्तियां हुई हैं इनको रद्द किया जाए और एक बार फिर से हिमाचल के युवाओं को जो है मौका दिया जाए।